Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जल्दी से जाओ guys, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो. तो guys, आज की मैं वीडियो का लाइक है मैं रख रहा हूँ ओनली 10,000 लाइक का और 1,000 कमेंट का. तो गाइज फटाफट से जाओ, जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा ना उसको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है एक प्यारा सा शाउट आउट. चलो यार, टाइम है अभी उनको शाउट आउट देने का जिन्होंने सबसे ज्यादा कमेंट्स करे हैं. थर्ड नंबर पे इट्स रोनो कॉपी जिन्होंने भाई थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा कमेंट करे हैं. सेकंड नंबर पे ऑल इन वन सिद्धि जिन्होंने सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कमेंट करे हैं. और गाइज फर्स्ट नंबर पे क्रेजी गेमर जिन्होंने फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा कमेंट करे अपनी लास्ट वीडियो में. गाइज आप लोग भी ऐसे ही कमेंट करो और आप लोग को अगली वीडियो में एक मिलने वाला मेरी तरफ से एक प्यारा से शाउट आउट. तो गाइज अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हो तो आप लोग को याद ही होगा भाई, जो लेस्टर के फ्रेंड की रेस होने वाली थी ना वो 3 घंटे के लिए डिले हो चुकी थी. बट मैं उसके बाद ना अपने घर पे आया, तो भाई मैं घर पे आया ना ड्राइवर के गार्ड इतना ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए ना भाई, हर जगह पे मेरे को पकड़ पकड़ के मार रहे थे. तो भाई मैंने बस ये सारी बात लेस्टर को बताई. लेस्टर मेरे पे गुस्सा तो हुआ बट लेस्टर ने गाइज अपना एक बहुत सीक्रेट खतरनाक विकल्प बाहर निकाला जो टैंक टाइप का था. हमने इतने सारे बंदों को ब्लैक ऑप्स के बंदों को मारा ना गाइस, हमने जो 50 से 60 ब्लैक ऑप्स के बंदों को मारा ना वो सारे ब्लैक ऑप्स के बंदे एल रूबियो ने भेज रखे थे. तो भाई एल रूबियो हमसे इतना ज्यादा डर चुका था. तो गाइस उसके बाद ना रेस का टाइम होने वाला था, 1 घंटा बाकी था भाई, मैं यहां से जाने ही वाला था. तो एल रूबियो ने मेरे को पकड़ने के लिए अंडरवाटर माफिया को भेज दिया. तो गाइज अंडरवाटर माफिया ने भाई अपना एक खतरनाक हेलीकॉप्टर लेके आया, उसने मेरा हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करा. तो भाई उसके बाद मैं उसके हेलीकॉप्टर में छुप के बैठ गया भाई. उस बंदे को पता नहीं कैसे पता चला, हवा में ले जाके ना उस वो हेलीकॉप्टर से जंप कर दिया और वो पैराशूट लेके पता नहीं कहाँ निकल गया और मैं सीधा भाई इस इतने बड़े समुंदर के अंदर आके गिर गया. और भाई मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं मतलब यहाँ से कैसे भी चलता चलता बाहर की तरफ आ चुका और मौसम देख रहे हो इतना ज़्यादा भयानक हो चुका और मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना. और गाइज मुझे वो सामने जाना है अभी भी, मतलब वो सामने लॉस सैंटोस है. और भाई मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है ना कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस रेसिंग टूर्नामेंट में पहुँच पाऊँगा भाई, पर मुझे उस रेसिंग टूर्नामेंट में पहुँचना है क्योंकि अगर लेस्टर ने मेरे से इतनी उम्मीद रखी है ना तो भाई मुझे लेस्टर को धोखा नहीं देना. मुझे आज की आज ही क्या 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वहाँ पे पहुँचना है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है. और अभी मुझे बस एक हेलीकॉप्टर या फिर एक प्लेन चाहिए और सबसे पहले तो मुझे उधर की तरफ जाना है. एक तो मैं इतनी ज़्यादा तबीयत देख पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना मेरी तबीयत, मैं क्या ही बोलूँ यार. कोई अपन को मेडिसिन वगैरह या कुछ दे देना, पूरा बॉडी दर्द कर रहा है यार क्योंकि हमने इतना ज़्यादा स्विम जो करा भाई. पर ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, लॉस सैंटोस ये सामने ही आ चुका है, अपन इधर की तरफ पहले अपने आप को लेके चलते हैं, उसके बाद भाई देखते कोई अपनी हेल्प करने वाला अगर कोई मिल जाए भाई. पर इतने ज़्यादा ख़राब मौसम में इतनी बारिश में कौन ही आएगा भाई अपनी हेल्प करने. बाकी यहाँ देखते हैं अगर कोई अपने को हेल्प मिल जाए भाई, हेलीकॉप्टर की हेल्प मिल जाए, मैं जैसा भी हूँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैं बस एक बार ना लेस्टर के फ्रेंड को रेस जितवा दूँ. चलो गाइस यार, मैं ना भाई अपने आप से चलता हुआ भाई मैं इधर की तरफ आ चुका हूँ, मतलब काफ़ी आगे तक आ चुका हूँ. और गाइज इधर मुझे थोड़ा सही सब कुछ सही दिख रहा है इधर भाई, मतलब मैं इधर थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकता हूँ बट मुझे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना, 5-10 मिनट का रेस्ट लेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं से तो हेलीकॉप्टर हमको ढूंढना पड़ेगा. ढूंढ वूंढ के उसके बाद भाई चलेंगे फिर, क्या ही करें यार इधर तो बहुत बड़ा पहाड़ है भाई. सामने मुझे कोई बंदा दिख रहा है यार, वेट अ मिनट मैं उसके पास चलता हूँ. भाई इतने ख़राब मौसम में वो बंदा यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहा है, देख रहे हो, ये गांव का बंदा लग रहा है, मतलब मैं गांव वाली साइड हूँ यार. वेट अ मिनट, मैं पहले तो भाई इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना, पहले तो मैं इधर खड़ा होता हूँ. भाई गाइस यार मेरी हालत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, अब ना भाई मेरे से चला तक नहीं जा रहा भाई, नहीं खड़ा हुआ जा रहा यार मेरे से. गाइस अभी तो मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है ना, मैं भाई उठ भी नहीं सकता. अब सामने वो अंकल पता नहीं क्या कर रहा है, उसको पता नहीं दिखाई भी दे रहा है या नहीं. तो गाइस यार मुझे ना यहाँ पे फंसे हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और भाई अब रेस शुरू होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी है गाइज, और ये अंकल भाई मेरे पास आ रहा है, शायद ये मेरी हेल्प कर दे. तो गाइज अभी मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है ना कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा और ये अंकल ने भाई मुझे फाइनली देख लिया और अपने साथ उठा लिया है. भाई भाई पता नहीं यार ये अंकल क्या करने वाला है, शायद मेरी हेल्प करेगा या क्या करेगा भाई पता नहीं है. तो गाइज 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 इस अंकल को लग रहा है कि मैं ना भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हूँ और ये ना अंकल भगता भगता लेके जा रहा है मेरे को, शायद ये मेरा इलाज करेगा भाई.
देखते भाई, बाकी ये अंकल ने बोला सामने इसका घर है, देखते हैं भाई अभी जल्दी जल्दी ना चलते हैं भाई इसके घर पे चलते हैं पहले तो। ऑल राइट गाइज, ये अंकल ने ना मुझे बोला है कि तुम यहीं पे रहो और ये जा रहा है अपने घर पे मेरे लिए कुछ खाना लेने। भाई ठीक है, अगर मुझे कुछ खाने को भी मिल जाए ना थोड़ी सी तो भाई ताकत अपने अंदर आ जाएगी, तो उस ताकत से ना सबसे पहले मुझे जाना है भाई कोई हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करने। हेलीकॉप्टर के बाद मैं भाई पहले तो उसकी रेस जितवाऊंगा, चाहे आज मेरी कितनी भी बुरी हालत हो जाए। आज तक अपनी लेस्टर ने पूरी हेल्प करी है तो मुझे भाई कैसे भी करके ना उसकी आज उसको जिताना है यार रेस में। ऑल राइट गाइज, वो जो अंकल है ना भाई वो डब्बे में मेरे लिए कुछ लेके आ रहा है, शायद मेडिसिन वगैरह और खाने के लिए कुछ ना कुछ होगा। ठीक है गाइज, इसको आने दो। और भाई ये अंकल से ना बस एक छोटी सी और चीज़ मांग लूँ, या इसके पास व्हीकल वगैरह या कुछ हो ना जिससे मैं हेलीकॉप्टर के पास जल्दी पहुंच पाऊँ। तो गाइज ये जो अंकल है ना भाई इस डब्बे में भर के मेरे लिए खाना और कोक वगैरह लेके आया है, तो फटाफट से ना इसको खा के ना पहले एनर्जी लेके आते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ओके तो गाइज बर्गर हमने खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज अभी भाई टाइम आ चुका है, अभी थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, मतलब खाना वाना अभी खत्म हो चुका है तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अभी भी मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गाइस हमने स्विम करा इतना ज़्यादा और भाई मौसम तो इतना ज़्यादा भयानक हो रखा है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। अरे अंकल इतनी मेहरबानी करी है मेरे ऊपर, एक और मेहरबानी कर दो यार, मुझे कोई व्हीकल लेके दे दो, मैं आपका व्हीकल आपको बहुत जल्दी वापस कर दूंगा, या बाइक या कुछ भी कार वगैरह। तो गाइज ये बंदा बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह तो नहीं है, बट ये बोल रहा है कि इसके पास ना एक साइकिल है जो ये मुझे दे सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइज, साइकिल लेके एक बार मैं ये गाँव से दूर निकल जाऊँ ना, उसके बाद सड़क पर ले जाके किसी की गाड़ी छीन के उसके बाद भाई कोई ना कोई तिकड़म लगा के ना हमको हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। भाई साहब बहुत ज़्यादा टेंशन हो। ओके चलो यार, अबे ये साइकिल है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अंकल आज तूने मेरी जान बचाई है ना, मेरे पास पैसा वैसा आने दे, तेरे तू जो अभी बोला ना मैं बहुत गरीब हूँ, तेरे को अमीर कर देंगे, टेंशन नहीं ले। गाइस बताना जरूर कमेंट करके यार, उस अंकल को अपन भी अमीर कर देना यार। चलो यार गाइस, अपन को अभी साइकिल मिल चुका है, अभी फटाफट से कुछ ना कुछ सोचते हैं या कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते हैं कि कहां से हमको एक हेलीकॉप्टर मिल सकता है। अभी गाइस अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बाकी, 30 मिनट बाकी है और हेलीकॉप्टर मेरे पास या प्लेन मेरे पास आए ना उसको इतनी फुल स्पीड में भगा के मुझे सीधा निकलना पड़ेगा उसी रेसिंग ट्रैक पे जहाँ पे लेसर के फ्रेंड की रेस हो रही है। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पीछे मैंने काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी करी देखी है, तो एक काम करते हैं इनमें से ना एक कोई गाड़ी लेते हैं। अभी ना गाइज मुझे हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन सिर्फ दो जगह पे मिल सकता है, वो है एक तो मिलिट्री बेस, दूसरा है पुलिस स्टेशन। मैं मानता हूँ कि दोनों की दोनों जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बट भाई अपने पास अभी गाइज अपने पास और कोई चारा भी नहीं है भाई। अभी मुझे दोनों में से ना एक काम करते हैं, मिलिट्री पे घुसना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, पुलिस स्टेशन में घुस के अपने पास तो अभी भी वेपन्स भी हैं, पुलिस स्टेशन में घुस के सारे पुलिस वालों को मार मार के ना उनका हेलीकॉप्टर छीन के फटाफट से रेसिंग ट्रैक पे पहुंच जाऊंगा। यही मैं कर सकता हूं, यही अपने लिए आसान रहेगा। तो एक काम करते हैं, अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूं और फटाफट से निकलता हूं पुलिस स्टेशन के लिए। और भाई मौसम की तो ऐसी जैसी पूरी हो रखी है। ऑल राइट गाइज, मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता गाइज काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ और मुझे पता है काफ़ी लोग यही पूछ रहे होंगे कि मोहित भाई तुम्हारे पास कोई और गाड़ी थी, अब कोई और कैसे हो गई। भाई वो एक ना इतनी ज़्यादा बारिश हुए के कारण ना अपनी गाड़ी वाली इतनी ज़्यादा स्लिप कर रही थी ना, तो मैंने भाई किसी रास्ते में किसी बंदे को रोका, उससे ये वाली गाड़ी छीन ली और उसको बोला भाई तू वो वाली गाड़ी ले जा। हमने गाड़ी एक्सचेंज कर ली, तो भाई ये वाली गाड़ी ना मस्त चल रही है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वाली भी है गाड़ी। अपन को गाइस सही रहेगा अगर पहाड़ों वाड़ों पर भी चढ़ना पड़ा तो। बाकी मौसम गाइस बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है, थोड़ा सी बारिश तो रुक चुकी है, कोई भरोसा नहीं कभी बारिश आ जाए। बाकी हाँ गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट में, जो कि गाइस बिल्कुल ही सामने जाके आ चुका है। बाकी ना गाइस एक काम करना पड़ेगा, अभी ये वाली गाड़ी ना मुझे यहीं पे लगानी पड़ेगी क्योंकि भाई ये वाली गाड़ी का अभी कोई काम नहीं है, वहां पे तो हमको आराम से एक हेलीकॉप्टर मिल जाएगा जिसको उड़ा के हम निकल जाएंगे। ठीक है भाई अभी मुझे एक काम करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन तो आ चुका हूँ और ये वाले पुलिस स्टेशन में ना ऑलमोस्ट हर बार हेलीकॉप्टर रहता ही इतना मुझे पता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना देसी कट्टा तो निकाल लिया, बट गाइज यहाँ पे ना एक और चीज हमको करनी पड़ेगी। हमने गाइज एक काम करते हैं, अपने ना पहले मास्क लगा लेते हैं अगर, क्योंकि गाइज पुलिस वालों से पंगा लेना है, विदाउट मास्क अगर कुछ सीन हो गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी अपन को। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे ना अपना बढ़िया से एक मास्क लगा लेता हूँ। ओके तो चलो गाइज यार मास्क हमने पहन लिया है, हमेशा अपना एक मास्क ना अपनी जेब में रहता है। ओके चलो गाइज सामने आ चुका है पुलिस स्टेशन, मुझे ना अभी धीमे धीमे जाना पड़ेगा। सामने बंदे देख रहे हो, ये सारे पुलिस वाले खड़े हैं,
पहले मुझे इनको कैसे भी करके ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके रूफ पे ना मुझे पक्का पता है कि इसके रूफ पे एक हेलीकॉप्टर पड़ा होगा, जिसको कि मैं लेके आराम से निकल जाऊंगा रेस करने के लिए। पहले मुझे सामने एक बंदा दिख रहा है, एक काम करता हूँ पहले तो अपने अंदर गन रखता हूँ, ठीक है, पहले तो सीधा अंदर चलता हूँ, पहले मैं देखता हूँ अंदर जाके अपन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। बाकी गाइस मैं मास्क के साथ जा रहा हूँ, अभी मुझे जाना सीधा अंदर, देखते भाई अपन को अंदर ये जाने देते भी हैं या नहीं। भाई जैसे मैंने मास्क वास्क डाल रखा है ना, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे जाने देंगे। बाकी पर भाई हम परमिशन लेके जाएंगे, अगर सीधा घुस जाएंगे ना तो ये सीधा गन्स मारनी शुरू कर देंगे। चलो यार गाइस इनसे पहले बात कर लेते हैं। और गाइस 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 मैंने ना भाई साहब इनसे जिद करी कि मुझे अंदर जाने दो, और ये बोल रहे थे मास्क उतारो पहले, तो भाई मैंने मास्क उतारा नहीं और इन्होंने उठा के मेरे को पुलिस स्टेशन से बाहर पटक दिया। और अपने साथ ना अभी गाइस बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, जैसे मुझे इन्होंने अभी उठा के बाहर फेंका है ना, अभी इनकी बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ मैं। भाई मैंने सीधा जाके सिंपल बोला मुझे अंदर जाने दो, और इसने बोला कि मास्क उतारो, मैंने बोला कि मैं मास्क नहीं उतार सकता, मेरे फेस पे थोड़ी चोटे वोटे लगी हैं, ये बोल रहा है मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। भाई इतने में इन दोनों ने मुझे उठा के बहुत गंदा पटका। अब मैं इनको बताता हूँ भाई कैसे किसी को पटका जाता। अभी एक काम करते हैं, मैं निकाल रहा हूँ अपना देसी कट्टा, धीरे धीरे से ना, पहले धीरे धीरे से बढ़ूंगा आगे आगे। एक काम करता हूँ, मुझे अभी ना भाई फायर तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये अंदर जाने नहीं देंगे। वो बंदा अपना फ़ोन चला रहा है और उसका ध्यान ना मेरी तरफ पड़ा नहीं अभी, तो एक काम करता हूँ मैं धीरे 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 चलता हूँ। पहले तो वो बंदा भी फ़ोन चला रहा है, और वो बंदा ना गाइस गाइस एक सेकेंड, वो जो दूसरा बंदा है ना उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर जा रहा है। बट भाई अभी तेरे साथ सी करना ही पड़ेगा पैंस की तुम्हारी, चल निकल यहाँ से, चल तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। भाई देसी कट्टा ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अबे ये विदाउट गन मेरे से लड़ने आ रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, ये देसी कट्टा ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, एक बढ़ता है अभी, नुक्की बड़ी ना पीछे, अभी याद रखेगा ये बंदा, चल तू भी निकल। ऑल राइट गाइस मैंने यहाँ पे काफी सारे बंदों को तो खत्म कर दिया, ये पुलिस वाले, एक मिनट तू भी निकल, तू भी निकल। गाइस एक बार काम करना पड़ेगा, इधर की साइड ना काफी सारे पुलिस वाले, पहले इनको मारता हूँ फिर पुलिस स्टेशन के अंदर जाके सबको मारूंगा। चलो ठीक है गाइस यहाँ पे सारे बंदे खत्म है, और मुझे ना गाइस एक काम करना पड़ेगा हर जगह पे, तो गाइस यार हर जगह पे ना सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, मुझे उनको भी तोड़ते हुए जाना है ताकि भाई अपने खिलाफ कोई दिक्कत ना हो। अभी निकालनी पड़ेगी मुझे बड़ी वाली गन, बहुत हो चुका है भाई, देसी कट्टा तो भाई लग ही नहीं रहा इनके। चलो ठीक है गाइस अभी इनको मैंने खत्म तो कर दिया, अभी और भी बंदे ओके अंदर से भी निकल निकल के आ रहे हैं। चल ठीक है निकलो यहाँ से, तुम्हारी भैंस की टांग, निकलो यहाँ से। ऑल राइट गाइस यहाँ पे, ओ भाई भाई ये मिलिट्री वाले कहाँ से आ रहे हैं, तेरी प्यास की, तू भी निकल, तू भी निकल। चलो गाइस यार यहाँ पे तो मैंने काफी सारे बंदों को मार दिया, अभी ये बाहर से मुझे मार रहे हैं, ठीक है भाई इनको भी हमने मार दिया है, थोड़ी सी चोट अपने भी लगी है बट ठीक है भाई, मुझे किसी भी तरह ना मुझे बस हेलीकॉप्टर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चोट वोट बाद में सेट हो जाएगी। चलो ठीक है गाइस अभी इनको भी, ये मिलिट्री वालों को भी हमने मार दिया, चल तू भी निकल। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना मैंने काफ़ी सारे पुलिस वालों को डाउन तो कर दिया, पर मुझे फिर भी आगे आगे बढ़ के ना जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई पुलिस वाला बचना नहीं चाहिए। ओ भैंस की, अबे मैंने एक गलती कर दी, मैंने सीसीटीवी कैमरे तोड़ना भूल गया, अबे यार अपनी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। यार गाइज मैंने सबसे पहले यही प्लान बनाया था कि मैं आते ही सीसीटीवी कैमरे फोड़ूंगा, बट गाइज यहाँ पे मैं सीसीटीवी कैमरे फोड़ना भूल गया, और अपने साथ क्या होगा भाई अभी पता नहीं है कुछ भी। बाकी ये डोर लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुला है डोर, देखता हूँ भाई यहाँ पे और भी पुलिस वाले अगर हैं तो उनको मारूं। ओ ओके यहाँ पे रूफ एक्सेस है तो मुझे ऊपर जाना है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पड़ा होगा भाई, ऑब्वियस है कि हमेशा यहाँ पे मतलब हेलीकॉप्टर पड़ा ही होता है, तो ये वाला डोर पूरा लॉक है, ऊपर जाना है मुझे। चलो गाइस यार अभी धीमे 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 धीमे, ये भी एक बंदा खड़ा था जिसको हमने मार दिया है, और एक ये खड़ा, चल तेरी भैंस की टांग। तो देसी कट्टा से भाई मारने पड़ेंगे सब लोग, तभी मतलब देसी कट्टा से ऐसे होता है ना गाइस, एक पड़ता है ना सीधा बंदा खत्म। तो ये कहाँ पे देख रहा था, चल भाई तू भी निकल, तू भी निकल और तू भी निकल। चलो गाइस यार यहाँ पे भी ओ भाई भाई यहाँ पे तो पुलिस वाले काफी सारे, वेट वेट वेट। तो गाइस मुझे अभी एक काम करना पड़ेगा, अपनी M416 निकालनी पड़ेगी, उसी से इनको खत्म करते हैं। चल तू भी निकल बेटे, कहाँ किसको मार रहा है, देखा गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था ना भाई देसी कट्टा का सिर्फ एक शॉट पड़ता है, और इसके देखो कितने शॉट मारने पड़ते हैं तब जाके बंदा मरता है। चलो ओ भाई भाई यहाँ पे तो एक सेकेंड, कितने सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं, अपने सामने नहीं भाई कुछ भी कर सकते, ये
एक मिनट मुझे सब जगह पे देखने दो, ये पुलिस वाला हेलीकॉप्टर अपन को मिल चुका है अभी, पहले मुझे हर जगह पे देखने दो कोई पुलिस वाला है तो नहीं। बाकी ना गाइस नीचे तो हमने पूरी तबाही डाली है, तो गाइस देख रहे हो भाई पुलिस वालों ने इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम लगवा रखा है भाई, पर ये डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता होगा ये पता नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इतनी तबाही डाल दी पर ये डिफेंस सिस्टम ने कुछ करा भी नहीं है। बाकी चलो गाइस यहाँ पे हमने सारे पुलिस वालों को मार दिया, ये मिल चुका है मुझे पुलिस का हेलीकॉप्टर। वेट अ मिनट, अगर गाइस हमने इतनी तबाही डाली है ना तो एक और चीज मुझे करनी है, यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब सारी गाड़ियां उड़ा देते हैं, ये पुलिस वाले भी याद रखेंगे कि अपना पंगा किससे पड़ा है। चलो गाइस एक बच गई भाई, उसको भी खत्म करना है। वेट, चलो गाइस ये भी गई, सारी की सारी गाड़ियां अपन ने ब्लास्ट कर दी है, ये भी याद रखेंगे अपना पंगा किससे पड़ा है। बाकी यहाँ गाइस अभी मुझे मिल चुका है पुलिस का हेलीकॉप्टर, अभी इसको उड़ा के निकलना है मुझे रेस के लिए, और अपने पास गाइस टाइम है ओनली आधा घंटा, गाइस आधा घंटा बाकी, अभी आधे घंटे में रेस स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से नए हेलीकॉप्टर को लेकर अभी फटाफट से निकलते हैं रेसिंग ट्रैक पे। ओके तो गाइस 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 भाई मैंने हेलीकॉप्टर चुराया और पीछे मेरे अभी 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है जो कि मेरे हेलीकॉप्टर पे धड़ाधड़ फायर कर रही है, और सामने भाई पुलिस वालों का ही हेलीकॉप्टर आ रहा है। भाई ये क्या हो गया, अबे यार अब गंदा ही सीन होगा मुझे लग रहा है, मैं भाई जा नहीं पाऊंगा, मेरे पास अभी 20 मिनट बाकी है भाई, आधा घंटा भी पूरा बाकी नहीं है, 20 मिनट ही बाकी है भाई, क्या करूं यार अब मैं। ये देख रहे हो गाइस पीछे अपने दो हेलीकॉप्टर लगे पड़े हैं, तो भाई साहब अपने पीछे ना दो हेलीकॉप्टर लगे पड़े हैं, और मैं अगर रेस पे इनको लेके गया ना तो भाई ये मुझे उतरते ही ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे सारी रेस को ख़त्म कर देंगे, मतलब ये रेस को मतलब होने नहीं देंगे भाई पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले गाइस रोक सकते हैं रेस को। तो गाइस देख रहे हो, ये देखो भाई मेरे पीछे दो पुलिस वाले लगे हुए हैं, मुझे कैसे भी करके भाई इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो एक और वो आ रहा है हेलीकॉप्टर, एक ये आ रहा है, यार क्या करूं भाई इनसे कैसे बचूं। एक सेकंड यार मैं तो एक भाई फायर भी नहीं कर सकता क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में कुछ लगा भी नहीं हुआ, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, ये जो बंदा आ रहा है ना पहले तो इसके अंदर अपना हेलीकॉप्टर ही घुसेड़ देते हैं कि ताकि इसका ब्लास्ट हो जाए, पर ब्लास्ट होने को मेरा भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही सेम ही है। मैं यार क्या करूंगा इस, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देख रहे हो भाई पीछे अपने गंदे ही लग चुके हैं, और मैं भाई रेस में इनको लेके नहीं जाने वाला, और पूरा मौसम खराब हो चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है, एक काम करना पड़ेगा इनके। ओ वेट, इनके हेलीकॉप्टर काफी पीछे रह गए हैं भाई, इनको चकमा देके मैं निकल सकता हूँ। चलो ठीक है गाइस एक काम करते हैं, अभी अपना हेलीकॉप्टर पहले मैं फुल स्पीड में भगाता हूँ। भाई एक और आ रहा है सामने से, वेट यार ये क्या हो क्या रहा है, तीन चार हेलीकॉप्टर अपना पीछा कर रहे हैं भाई। अब अबे यार ये रेस पे जाने भी देंगे या नहीं, कुछ ना कुछ तो गाइस करना पड़ेगा, रेस मुझे पहुंचना है यार, 20 मिनट बाकी है सिर्फ। यार देखता हूँ भाई, बाकी मैं काम करता हूँ पहले अपने हेलीकॉप्टर को ना इस अरीना वॉर के, ये जो स्टेडियम है ना अरीना वॉर का, इधर ले जाके कहीं छुपा देता हूँ ताकि ये मुझे पकड़ ना सके, और मैं यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर दोबारा से उड़ा के फिर ले जाऊंगा सीधा रेस के लिए। एक काम करता हूँ पहले तो मैं अपने हेलीकॉप्टर को ना यहाँ पे कहीं पे छुपाता हूँ कि क्या। एक काम करते हैं भाई, ओह वेट 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 वेट, अबे दिक्कत हो जाती है, अभी पंख टूट जाते इसके, और ये ना मुझे ऊपर से ढूंढ रहे हैं, यार क्या हो रहा है भाई, इधर तो नहीं आ रहा हेलीकॉप्टर ढंग से। चलो भाई ठीक है गाइस, अबे यार इन्होंने पकड़, भाई ये तो पकड़ रहे हैं यार गाइस। एक सेकंड, तेरी भैंस की टांग तेरी, एक तो मैं इसके बीच में भी घुसेड़ नहीं सकता अपने हेलीकॉप्टर को, और ओ वेट अ मिनट ब्रिज के नीचे से लेके चलते हैं भाई पहले तो हेलीकॉप्टर को, और ये ना अपने से काफी ज्यादा ऊपर है, क्या करूं ऐसा ताकि मैं छूट जाऊं इनसे। ऑल राइट गाइस, ऐसे ही 5 मिनट इधर उधर घूमने के बाद पुलिस जो है वो अपना पीछा छोड़ चुकी है, क्योंकि मैंने लॉस सेंटोस ही पूरा निकाल दिया पीछे, और लॉस सेंटोस से बाहर पुलिस आ ही नहीं पाई, और मैं भाई निकल आया यार काफी आगे। तो चलो यार गाइस अभी रेस के लिए हो रहा है बहुत ज्यादा लेट, अपने पास 15 से 10 मिनट बाकी हैं, और मुझे इस हेलीकॉप्टर को अभी जिस स्पीड से भगाना है ना बस मुझे पता है। तो चलो यार गाइस अभी मैं इस हेलीकॉप्टर को भगाता हूँ और फटाफट से पहुंचता हूँ उसी रेसिंग टूर्नामेंट के लिए। ऑल राइट गाइस, हम अपने हेलीकॉप्टर को लेके भाई साहब पहुंच गए हैं उसी रेसिंग टूर्नामेंट में, और गाइस हमने ना भाई ये हेलीकॉप्टर पुलिस वालों को चुरा के, मुझे भाई पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलती करी है या मैंने ठीक करा है, आप लोग बताओ यार कमेंट करके। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी भाई ये हेलीकॉप्टर चुरा के। बाकी ठीक है गाइस बाद में देखा जाएगा, पहले तो अभी हम पहुंच चुके हैं लेस्टर के फ्रेंड पे,
और इसकी भाई अभी रेस करवा के इसको वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसिंग टूर्नामेंट में मुझे क्वालिफाई करवा देना है। उसके बाद गाइस वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसिंग टूर्नामेंट के लिए मुझे तैयारी करनी है और अपने आप को जिताना ही जिताना है भाई, वो भी यार मुझे करना है। चलो ठीक है गाइस, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अबे ओ ये तो भाई, एक तो पुलिस वालों का जो है जो हेलीकॉप्टर है ना, ये संभलता ही नहीं है। ओके हो चुका है सीधा। चलो यार गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी भाई माइकल की ना गाइस अभी भी बहुत बुरी हालत हो रखी है। माइकल की जो लेग्स है ना वो सही से भाई, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा चोटें वोटे लगी है यार अपने भाई। ठीक है यार अभी हम पहुंच तो चुके हैं गाइस, पर मुझे ना एक बार ना मैं अपने पास गन चेक कर लूँ जिसपे स्प्रेसर लगा हो। ऑल राइट गाइस, मैंने अपने साथ ना काफ़ी सारे वेपन्स लास्ट टाइम बाय कर लिए थे और अपन ना भाई साहब ये पिस्टल यूज़ करेंगे जिसमें अच्छा खासा एक सप्रेसर लगा हो। और मैं साइड पर जाके ना पहले चेक भी करके आऊँगा, एक ये और विंटेज पिस्टल या एक सेरेमिक पिस्टल। भाई एक बार मैं ये सेरेमिक पिस्टल ना मैं एक बार चेक करके आता हूँ। इसके अंदर ना काफ़ी बड़ा, ये देख रहे हो काफ़ी बड़ा ना इसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है, पर मैं एक बार ना इसको चेक करता हूँ। थोड़ा साइड पे चला जाता हूँ ताकि उन तक आवाज़ ना पहुँच सके, वहाँ पे तो बहुत सारी ऑडियंस की आवाज़ें शायद ना ही पहुँचे। तो एक बार मैं पहले यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। भाई है यार इसकी आवाज़ थोड़ी सी तो है, एक बार मैं ये चेक करता हूँ। भाई इसकी भी है यार, एक बार ये हैवी पिस्टल चेक करता हूँ। भाई आवाज़ सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी यार। ओ इसके अंदर सप्रेसर नहीं लगा, इसके अंदर सप्रेसर लगा है। भाई इसकी थोड़ी कम है यार आवाज़, और इसकी भी है, इसकी सबसे ज़्यादा कम है। ओ चलो गाइस गन मुझे मिल चुकी है, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें मतलब इसकी सबसे ज़्यादा कम आवाज़ है। ये देखो भाई पता ही नहीं चलेगा यार, जब रेसिंग होगी ना तो उसमें गाड़ियों की आवाज़ होगी तो पता तक नहीं चलेगा। एक मिनट अंदर रख लेते हैं ये गन। चलो यार गाइस अभी माइकल की बहुत बुरी हालत हो रखी है क्योंकि भाई हमने इतना ज़्यादा स्विम भी करा है और भाई आप लोगों को पता है पुलिस वालों का सीन, अभी भी मैं थका हुआ हूँ बहुत हूँ। बस एक बार ये रेस जीतवा के उसको घर के जाके आराम से आराम करेंगे, पहले तो बस रेस पर ध्यान देना है। चलो यार गाइस मुझे ऑडियंस की आवाज़ आनी तो शुरू हो चुकी है। अबे सारे के सारे बंदे यहीं पर खड़े हैं भाई, मैं पूरे टाइम पे पहुंचा, सिर्फ 3 मिनट जल्दी पहुंचा। 11:30 बजे रेस शुरू होने वाली थी, देख रहे हो 11:27 में मैं पहुंच चुका हूं। भाई सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर अभी रेस दोबारा शुरू होने वाली है और मैं भाई 3 मिनट पहले ही पहुंच चुका हूं। आप लोगों को पता था, मैंने बताया था 3 घंटे डिले हो चुकी है और 3 मिनट पहले ही हम पहुंच चुके हैं। ये रहा अपना रेसर और पूरी ऑडियंस खुश है, सब कुछ ओके है और ये रहा अपना रेसर। चलो यार गाइस इससे बात कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस मेरी जो है ना भाई इस बंदे से बात हो चुकी है और ये बंदा बोल रहा है सिर्फ रेस स्टार्ट होने में 1 मिनट बाकी है और कभी भी अनाउंसमेंट हो चुकी सकती है, फटाफट से बस रेस की तैयारी खींच के रखते हैं। और बाकी मैंने ना भाई पूरी की पूरी गाड़ी चेक कर लिया हर जगह से और गाड़ी बिल्कुल सही है, बस अभी हम वेट कर रहे हैं कब भाई स्टार्ट की अनाउंसमेंट होती है। ऑल राइट गाइस रेस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अभी वो बंदा और मैं दोनों बैठ चुके हैं। फटाफट से ये रेस ये गाड़ी पहले बंद कर लेते हैं सब जगह से। ओके चलो यार गाइस अभी ये बंदा ड्राइविंग करेगा, मैं साइड पे बस ये गन जो है ना इसको भाई फायर करने वाला हूँ। मेरी पिस्टल कौन सी थी पहले मैं वो चूज करके रख लेता हूँ। यार कितने सारे वेपन हमने कैरी किए थे, हाँ पिस्टल थी हमारे पास। FPP मोड पे जाके चेक करता हूँ, बिल्कुल नहीं यार ये वाली नहीं थी भाई। तो चलो गाइस यार यही वाली वो पिस्टल थी। ठीक है अभी भाई बस स्टार्ट होने का वेट करना है। ऑल राइट गाइस रेस जो है ना भाई वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सारी की सारी गाड़ियाँ भाई पूरी भर भर के यहाँ पे मतलब खड़ी हो चुकी हैं और भाई मैं बैठा हूँ साइड पे, रेसर है भाई अपना साथ में बैठा, उसने थोड़े से कपड़े चेंज कर लिए हैं, वो बैठ गया साथ में। तो भाई ओ सारी ऑडियंस को उड़ाते हुए जा रहे हैं हम, भैंस की टंग क्या रेस हो रही है भाई। मैं अपनी गन ना पहले फटाफट से ना पहले गन अपनी जो है ना वो पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ, मुझे कौन सी गन के साथ खेलना है, वे सॉरी कौन सी गन्स के साथ इन सबको मारना है। और ये रे बाइक वाले जो है ना भाई साथ में ना हमको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है तो सबसे पहले ना भाई ये चीज करनी है। ओ भाई क्या कर रहा है तू भाई 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 गाइस हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं देखो गाइस साइड पे बैठा हूँ और ये बंदा गाइस अपनी रेस ड्राइविंग कर रहा है और मैं साइड पे बैठा हूँ। भैंस की टांग भाई इधर से ना, पहले मुझे इस बंदे को उड़ाना है। चल भैंस की ओ इसका, चलो गाइस इसका गया यार, पहला रेसर हमने ऐसे ही उड़ा दिया। और गाइस अब ये पीछे भी हमारे काफी सारी गाड़ियां आ रही है, एक काम करते हैं ये पहले टायर्सो वाला जो है ना इसको साइड करता हूँ। रुको 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 भाई जो डिंका वाला है ना गाइस वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका है। और ये वेट अ मिनट, ये तो कोई और डिंका है भाई, जो अपने वाले डिंका है ना जो अपनी जिसने चोरी करी थी वो तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। वेट चल भाई तू भी निकल,
चलो गाइस हमको ऐसे ही सारे रेसर्स को पीछे करते हुए जाना है ताकि भाई अपने से कोई जीत ना सके। बाकी ठीक है, अपना रेसर जो है ना वो भाई बिल्कुल सही ड्राइविंग कर रहा है। भाई ओ क्या कर रहा है भाई, एक सेकंड, चल भाई तू भी निकल साइड पे हो। भाई सारी की सारी गाड़ियों को ना अपन ऐसे ही साइड करते जाएंगे जो कि हमारे बीच में कोई आ ही ना सके। भाई अपने से आगे गाइस 10 से ऊपर गाड़ियां गई है। ऑल राइट गाइस, अभी अपना रेसर जो है ना भाई वो चलाता आ रहा है। पहले तो पीछे वालों को देखूं मैं। एक काम करता हूं गाइस, गन तो अभी दूसरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि एक मिनट रुको यार, गन तो भाई दूसरी यही निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑटो गन है और अपना जो रेसर है ना भाई वो भगाता जा रहा है गाड़ी को। भाई आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा मेरे को, बट आगे ना गाइस अपने से काफी सारे बंदे निकल गए हैं। चलो यार गाइस, ये अपना जो रेसर है ना वो तो गाड़ी को भगाता जा रहा है, बट गाइस जो अपने से काफी सारे बंदे हैं ना, जो काफी सारी रेसिंग वाली गाड़ियां हैं, वो भाई बहुत आगे निकल चुकी है भाई। पर बंदा ना मुझे नहीं लग रहा ये रेस जीत पाएगा क्योंकि भाई देखो इसकी ड्राइविंग तो इसी को करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आप लोग को ये देखो गाइस ये क्या कर रहा है, ये बंदा लिटरली पागल है। चलो यार गाइस, कैसे भी करके इसने अपनी गाड़ी तो भाई आगे से पूरी तोड़ ली है। एक बार मैं आप लोग को स्कोरबोर्ड दिखा देता हूँ। स्कोरबोर्ड साइड पे देख पा रहे हो गाइस, अपनी गाड़ी ना 5th नंबर पे है, ठीक है। तो भाई अपने से आगे एक जेस्को वाला है, बुगाटी वाला है, SVJ63 वाला और फरारी FXKK वाला, मतलब अपन गाइस 28 रेसर हैं, उनमें से गाइस अपन आ चुके हैं 5th नंबर पे। और जो अपने से जो वो है था ना अपना जेस्को वाला भाई, वो बंदा अभी 10th नंबर पे, उसका कोई भरोसा नहीं कब आगे आ जाए। बाकी ठीक है भाई, या क्या कर रहा है भाई पैस की। ऑल राइट गाइस, सब कुछ सेटअप हो चुका है। अभी भाई मैं एक बार 5th नंबर पे, ठीक है, ये जब 3rd नंबर पे आ गया ना भाई उसी टाइम पे मैं पीछे हट जाऊंगा। चलो गाइस यार, हम ना चलते चलते गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुके हैं और आगे के रेसर मुझे दिखने शुरू हो चुके हैं। मुझे बस इसको ना 3rd नंबर पे लेके आना है कैसे भी करके, और जितनी भी गाड़ियां ना उनको बस एक एक गन मार के उनका टायर फोड़ के बस मुझे यहां से निकलना है। बस भाई किसी को पता ना चले ये सारा काम माइकल ने करा है, नहीं तो भाई अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बस मुझे अपनी गन को ना सेटअप करके रखना है पूरा, जो भी बंदा आएगा ये बंदा 5th नंबर पे, इसको 3rd नंबर पे लेके आना, उसके बाद इसकी किस्मत है। मैं एंड तक इसके बाद साथ नहीं खेलने वाला भाई। एक मिनट बस, मैं अपनी गन रेडी रखी हुई है मैंने, और ये बंदा ना बहुत ज़्यादा धीरे चला रहा है भाई, गाड़ी दीवारों में कुछ ज़्यादा फोड़ रहा है, पता नहीं इसको कैसे रेसर बना रखा है भाई इन्होंने। ऑल राइट गाइस, मुझे अभी ना रेसर दिखने शुरू हो चुके हैं, सामने एक और गाड़ी जा रही है, फटाफट से इसका भी टायर पंक्चर करना। भाई भगा ले भाई, क्या कर रहा है, इतनी घटिया गाड़ी तो मैं भी नहीं चलाता। अबे बहुत ही बढ़िया जो किया ना, बहुत ही बढ़िया किया तूने, क्या बंदा है भाई ये। चलो यार गाइस, हम अपनी गाड़ी को भगाते हैं गाइस आ चुके हैं। अभी सामने बस मेरे 4 बंदे हैं, मेरा मन तो कर रहा है मैं इसको रेस को छोड़ के चला जाऊं। क्या गाड़ी चला रहा है भाई, इसको रेसर बनाया किसने यार, ये लेसर अपने आप को भाई, लेसर ने ना पता मेरे सामने एक नूब बंदा दे दिया, बिल्कुल ही गंदा नूब बंदा भाई। अब इसको कुछ नहीं आता यार, इसको गाड़ी तक नहीं चलानी आती भाई, दिला ला के दीवारों में ठोक रहा है। और सामने जा रहा है 4th नंबर रेसर, इसकी तो अभी मैं बैंड बजाता हूँ तेरी भैंस की, रुक तेरी ऐसी की तैसी। इसको ना पहले मुझे यहीं से गन चलानी पड़ेगी क्योंकि अपना वाला बंदा ना भाई इतना दम नहीं है इसमें कि वो साथ में उसके पहुंच पाए। बट ठीक है, मैं ही अपना गन की पावर दिखाता हूँ और चल इसकी गाड़ी को साइड पे करवाता हूँ पहले तो भाई। इसके बाद ये 4th नंबर पे पहुंचेगा और आगे एक और गाड़ी जा रही है, पहले तो भाई इसको करते हैं साइड। ये भी एक चेस्को वाला, चल तेरी पैस की साइड। भाई इसके लगा ही नहीं है, एक मिनट रुको, उसके शॉट ही लगा पर हमने उसको बहुत पीछे छोड़ तो दिया है भाई। ये देखो वो रेसिंग कार कहां से जा रही है और हम कहां से जा रहे हैं, देख रहे हो। और ये तो भाई आगे निकला, चल तेरी पैस की, निकल यहां से भाई। इसके टायर कैसे है इसके चेस्को के भाई, इतनी जोर इतनी ज्यादा गन चलाई मैंने, उसके टायर को कुछ भी नहीं हुआ। पर ठीक है, अब ये तो नहीं बचने वाली मेरे हाथ से, चल बेटे चल निकल साइड पे, तेरे भी टायर पंक्चर भाई। चलो गाइस, वो तो लग चुकी है बिल्कुल साइड में। ऑल राइट गाइस, चलते चलते ना भाई अपना बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा पीछे आ चुका है। अभी भाई मुझे कुछ ना कुछ करके इसको आगे लेके जाना पड़ेगा भाई, बंदा बड़ा गंदी ड्राइविंग करता जा रहा था, इसके कारण अपनी गाड़ी जो है ना भाई वो बहुत पीछे हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस एक बार यहाँ माइक्रो SMG निकालने दो। पहले तो पीछे के सारे बंदों को साइड करता हूँ, रुको भाई, पहले तो आगे के बंदों को साइड करता है भाई, पीछे के बंदे तो बाद में भी साइड हो जाएंगे। यार भाई चेस्को वाला भी आ गया जो कि काफी टाइम से 1st नंबर पे चल रहा है, भगा यार इसको, क्या कर रहा है भाई तू। चल गाइस, ये मैकलेरन वाला तो गया पहले तो ये मैकलेरन वाला, अब तो भाई चेस्को वाले को पीछे करना है पहले तो मुझे, कैसे भी करके ये निशाने बनाते जाना है। और पीछे अपने जो काफी सारे बंदे और भी बहुत सारे पीछे है, मतलब काफी पीछे है, और जो आगे है वो अपने से बहुत ज्यादा आगे है भाई। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, भगा इसको, क्या कर क्या रहा है भाई तू, बहुत धीरे चला रहा है।
पर इसको भगा भाई तू। ऑल राइट गाइस, हम भाई सब कब भगते भगते अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। वेट, ये बुगाटी वाला ना भाई, क्या टक्कर मारी बुगाटी वाले ने भैंस की तरी। रुक 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 भाई, भगा भगा भगा, पहले इस बुगाटी वाले को करूं मैं इसको सही। तेरी भैंस की नहीं, तेरे को आ तो तू आ गया बेटे, बहुत स्पीड से गाड़ी भगा रहा है ना, तेरे को बहुत अकल आई पड़ी है गाड़ी तेज चलाने की। रुक रुक, तेरे को मैं बताता हूँ, पास तो आ, तेरे को अभी बताता हूँ, रुको। चलो यार गाइस, पहले अभी ये फिर ठोकेगा भैंस भाई। ये बनता रहा, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। और तू आ जा बेटे, पहले तो तेरे को देख लेता हूँ। चलो यार, ये तो बहुत पीछे है और मैं ना भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, ये कैसे चला रहा है गाड़ी। चलो ठीक है गाइस, अभी पहले तो काफ़ी सारे बंदे आ गए हैं, पहले तो उनको देखता हूँ। ये ना पहले लेस्टर को सेट करना पड़ेगा, ये लेस्टर कैसा बंदा लेके आया है। इसीलिए लेस्टर ने ये मास्टरमाइंड मिशन तैयार करा है कि मैं साइड में बैठ के सारे रेसर्स को बाहर निकालूं, और बंदा इसको ड्राइविंग तक तो करनी आती, ये देखना अभी दीवार में ठोक देगा। मैंने बोला था ना, इसको ड्राइविंग तक नहीं करनी आती भाई, कैसा बंदा है। इसको मोड़ ही नहीं दिखते भाई, इसकी नजर कमजोर है, पता नहीं क्या है। चलो ठीक है गाइस, अभी हम फोर्थ नंबर पे चल तो रहे हैं। एक आगे गाड़ी मैं निकल जाऊँ ना, एक आगे की गाड़ी आ जाए, उसके बाद मैं उतर के यहाँ से निकल जाऊंगा। बंदा अपने आप देख ले भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भाई, मैं इतना वेला नहीं हूं कि मैं इसको देखता फिर। मैंने इसको बोल दिया भाई, मैं तेरे को लास्ट थर्ड नंबर पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि जब तू थर्ड नंबर पे आ गया ना, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसिंग टूर्नामेंट में तू क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो तेरे को एटलीस्ट थर्ड नंबर पे मैं लेके आ जाऊंगा, उसके बाद तू संभालना, क्योंकि ये जो तू निब्बागिरी कर रहा है ना, इससे तू भाई कभी जीत नहीं सकता। और पीछे बंदे वो देखो, एक बुगाटी वाला और एक बीएमडब्ल्यू वाला, दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं भाई। पहले इनको साइड करना पड़ेगा, और मैं इसको एक बार ना थर्ड नंबर पे ले आऊँ। चलो यार गाइस, हम चलते चलते गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुके, जो अपने आगे भाई तीनों गाड़ियां सुपर तेज है यार। एक है जेस्को, दूसरी है एसवीजे 63, तीसरी थी भाई कुछ पता नहीं बुगाटी डीवो थी, पता नहीं लैम्बोर्गिनी सियान थी, नहीं लैम्बोर्गिनी सियान तो भाई इसमें है ही नहीं, तो बुगाटी डीवो ही होगी भाई। ये तीनों गाड़ियां सुपर पावर है, और तीनों के तीनों भाई आगे है, और ये नल्ला ड्राइवर क्या ही करेगा। मैं तो इधर इसकी जगह पे भी नहीं आके खेल सकता भाई, वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं भाई। मुझे लग रहा है ये बाहर हो जाएगा रेस से पक्का, लिबर्टी सिटी की तरफ से जो रेस हो रही है ना, उससे ये बाहर हो जाएगा। चलो यार गाइस, अपने साथ एक और स्कैम हो चुका है भाई। ये बंदा ना इतनी घटिया रेसिंग कर रहा था ना, पीछे से सारी गाड़ियाँ आई भाई, देख लो भर भर के सारी गाड़ी आ चुकी है। भैंस की टांग तुम्हारी, सबको साइड करना पड़ेगा भाई। ये बंदा बहुत गंदा रेसर है, अभी मुझे ना भाई इस पर गुस्सा आ रहा है। मैं तो भाई निकल रहा हूँ यार यहाँ से भाई, मैं किसी की गाड़ी ना पहले यहाँ से पकड़ता हूँ, और मैं ना भाई इसके मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि इससे भाई गाड़ी चलती नहीं है। इसने भाई एक गंदी जगह पे ठोकी, देन लगातार सारी की सारी गाड़ी मेरे से आगे निकल गई। ये देख लो भाई, अभी ओके ये थी भाई लैम्बोर्गिनी आगे हमसे, और हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। आगे जेस्को है, जेस्को वाले को ना पहले ऐसी की तैसी करता हूँ। जेस्को वाले की तेरी प्यास की टंग, रुको 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 गाइस, अभी अपना बंदा बिल्कुल सही चला रहा है, और जेस्को वाला पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। वेट, जेस्को वाले तेरी ऐसी की भाई, क्या कर रहा है तू, घुमा जल्दी जल्दी घुमा, जल्दी जल्दी घुमा। अबे पहले ओ रुको 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 रुको, इसकी गाड़ी का टायर पंचर भाई शायद हो चुका है। अबे जेस्को वाले को जैसे तैसे मर्जी करके मुझे बाहर करना है, क्योंकि जेस्को वाला ना तगड़ी ड्राइविंग करता है यार। जेस्को वाले को कैसे भी करके मुझे बाहर करना है, और हम ना भाई अभी अपनी गाड़ी को भगाते आ रहे हैं, और ये बंदा सेकंड नंबर पे भी आ चुका है अपना वाला बंदा। तो एक काम करते, एक सामने जा रही है गाड़ी, मैं सोचता हूँ इसको एक बार फर्स्ट करवा ही देता हूँ, उसके बाद भाई निकलता हूँ। नहीं अपन थर्ड पे, सॉरी यार अपन थर्ड पे, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अपने सामने दो गाड़ियां जा रही है। ऑल राइट गाइज, अभी हमसे फिर से गाड़ियां आगे निकलनी शुरू हो चुकी है, दो गाड़ियां मेरे से आगे गई है। पहले तो ये टैरजो वाले की ना ऐसी की तैसी करता हूँ, चल टैरजो वाले तेरी पैंस की टांग भाई। हमने टक्कर तो मारी, पर ये बंदा ना भाई लिटरली गाइज, कमेंट में बताओ यार, ये बंदा बहुत घटिया ड्राइवर है ना, इससे गाड़ी नहीं चलती भाई। मेरे आगे से लिटरली इतनी पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। अभी मैं फिर फिफ्थ नंबर पे आ चुका हूँ, जेस्को और टैरजो दोनों मेरे से आगे निकल चुके हैं। अभी फोर्थ नंबर पे तो मैं इसको ले आऊँगा, पर अभी जेस्को वाला मेरे से बहुत आगे जा चुका है भाई, उसको पीछे करना बहुत नामुमकिन सा हो गया है। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ भाई, अभी इसके हाथ में छोड़ दूँ भाई, मुझे लेसर पे इसमें। ये देख लो गाइस क्या कुछ कर रहा है ये बंदा, मैं साथ में बैठा हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं रहा। ये देखो यही बंदा गाड़ी चला रहा है, ये देखो यही बंदा चला रहा है गाड़ी, और मैं साइड में बैठा हूँ भाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस रेसर के, ये किसको किसने इसको रेसर बनाया। और भाई बोल रहा था कि लेसर ने तो इतने डींगे मारी थी लिबर्टी सिटी की तरह से, ये बहुत बड़ा रेसर है भाई, घटिया रेसर है यार। ये देखो क्या कुछ कर रहा है, ऐसे रेसर होते हैं पैस की। तू निकल भाई, मुझे तेरे साथ करना ही नहीं है भाई, तू निकल। अभी अपने आप देख लेना, फोर्थ नंबर पर मैंने तेरे को ला दिया है, अभी ये बंदा अभी उसको पीछे कर देगा। वेट, मुझे किसी ना किसी की गाड़ी छीननी पड़ गई। ओ अरे पैस की टांग, कितनी दूर मारा मेरे को,
और गाइज मुझे किसी ना किसी गाड़ी छीननी पड़ेगी। वेट, ऑल राइट गाइज, एक काम करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे तो खड़ा हूँ और कोई भी रेसिंग कार आती है पहले तो उससे गाड़ी छीनते हैं। भाई क्या ही बंदा यार, एक मिनट रुको, अभी किसी की अगर गाड़ी आती है मैं उसकी गाड़ी छीन के अपने पुलिस वाले हेलीकॉप्टर के पास चलता हूँ और वहाँ से मैं सीधा अपना निकल जाऊँगा भाई लॉस सैंटोस में, क्योंकि भाई इसने बहुत गलत किया। ये आ रहा है जेस्को वाला तेरी पैस की। वेट, ये जेस्को वाला पीछे हो गया। अबे मुझे लग रहा है ना इस रेस में दो दो जेस्को है भाई, और मुझे किसी ना किसी की गाड़ी चाहिए भाई, कैसे लूँ? एक मिनट, अभी रुको रुको, वेट करते हैं, यहाँ से कोई गाड़ी आती है तो उसको मार के ना भाई उसकी गाड़ी छीन के मैं अपने पुलिस वाले हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाऊँगा। एक ये आ रही है, एक मिनट, अब तेरे को नहीं जाने दूंगा, गाड़ी छोड़ तेरी पैस की। भाई कोई बंदा गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है यार। एक मिनट, अभी कोई आता है ना, अभी उसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला, अब उसके साथ मैं क्या करूंगा? एक मिनट अपनी ना भाई, मैं निकालता हूँ शॉटगन, शॉटगन से ही उसको मजा चिखाते हैं। एक मिनट, अब ये आ रहा है, तेरी पैस की गाड़ी छोड़। भाई अभी इसकी गाड़ी मुझे लगता है गई, पलट गई, पलट गई इसकी गाड़ी। वेट 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 वेट, मुझे स्नाइपर निकाल के इसके, भाई गाड़ी नहीं कोई छोड़ रहा गाइस यार, एक और गाड़ी गई मेरे हाथ से, पैस की एक और गई, एक और गई। ओ भाई भाई भाई, ओ ये लग चुका है जमावड़ा पूरा गाड़ियों का, पर नहीं यार, अबे यार पैस की गुस्सा आ रहा है मुझे। वेट, गाड़ी छोड़ भाई, लिटरली यहाँ पे कोई गाड़ी अपनी छोड़ने को रेडी नहीं है, और मैंने इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर किया बट फिर भी बंदे की गाड़ी नहीं रुकी पैस की। क्या टक्कर मार के निकला यार बंदा, अब मुझे और गाड़ियों की वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे आते हुए यार। चलो यार गाइस, मैं थोड़ा थोड़ा भक्ता भक्ता आगे की तरफ आ चुका हूँ। भाई ये बंदे ना सच्ची में माइकल की आज जान लेके छोड़ेंगे, जिस हिसाब से माइकल को उठा उठा के मार रहे हैं। गलती भी मेरी है कि मैं भाई बीचों बीच खड़ा हूँ और मेरी गाड़ी रीलोड पे लग चुकी है। भाई अब तो एक काम ही करना पड़ेगा, गाड़ी छोड़। वेट यार, अब तो कोई भी गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई एक बंदा भी गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तू बेटे मेरे को गाड़ी छोड़ के जाएगा या फिर नहीं यार। एक और आ रही गाड़ी, एक मिनट। भाई कोई बंदा गाइस गाड़ी छोड़ने को रेडी नहीं है यार। तो गाइस गाइस गाइस, एक ये गाड़ी आ रही है। वेट, अभी मुझे लग रहा है इसकी, ओह कुछ ज्यादा ही स्लो लग रही है गाड़ी। अबे इसकी गाड़ी को कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है भाई इसकी गाड़ी को कुछ हुआ है और ये बहुत स्लो जा रही है। ओह वेट भाई, आज सच्ची में माइकल की बुरी हालत होने वाली है यार, और वो देख रहे हो कितनी धीरे गाड़ी चला रहा है, मुझे लग रहा है ना उसकी गाड़ी में दिक्कत हुई है, मुझे भगभग के जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, स्नाइपर निकाल के ना इसकी गाड़ी के जितने हो सकता है टायर पंक्चर करता हूँ, बंदे को भी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। रुको रुको, पर यार मैं क्या ही करूँ यार, किस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बंदे की और गाड़ी आ रही जिसमें गाड़ी में दिक्कत है। छोड़ दे बेटे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इसकी तुम्हारी नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा तेरी पैस की, अब तो छोड़ेगा ही ना भाई, मेरे को गाड़ी नहीं देने रेडी है। पर वेट, यहाँ पे आग क्यों लगी भाई? बंदे के पेट्रोल निकल रहा था गाड़ी में से और पूरी आग लग चुकी है यहाँ पे। भाई मैं क्या करूँ यार, अब मुझे लगता है ना मुझे चल चल के गाइस अपने हेलीकॉप्टर तक पहुँचना पड़ेगा। एक और आ रही गाड़ी, अब तो गाड़ी ऐसे ब्लास्ट करूँगा, इन्होंने मुझे धक्के मार मार, ओ मुझे धक्के मार मार मारा था ना इन्होंने, अब बंदे ही खत्म करूंगा भाई, बहुत हो चुका है, रेस में गंद डालने का टाइम आ चुका है। अब निकल निकल निकल, रुक रुक रुक, वेट 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 वेट, छोड़ गाड़ी। बंदा बीच में से ही निकल गया, बंदा ही नहीं था बीच में गाड़ी के। हो भाई मुझे लग रहा है ना पीछे कहीं गिर गया होगा भाई बंदा बेचारा, और गाड़ी ऐसे ही रुड़कती आ रही होगी, तभी तो रुक गई गाड़ी, तो रुकती नहीं है ऐसी गाड़ियां ऐसे। चलो यार गाइस, हमको तो भाई गाड़ी मिल चुकी है, अभी मैं फटाफट से ना इस गाड़ी को भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ अपने कार्गो प्लेन के पास ही, हमने अपना पुलिस वाला वो खड़ा करा था ना वहीं पे निकलते हैं, अभी भाड़ में जाए भाई वो रेस वेस भाई अपने आप संभालेगा। आप लोग को बताया गाइस, मैंने अपने तरफ से 100% दिया ना, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया भाई। उस बंदे को खेलना ही नहीं आता भाई, उसको बंदे को गाड़ी तक नहीं चलानी आती, हर जगह पे उसने गाड़ी ठोकी है। मेरी कहीं गलती हो तो आप लोग मुझे बताओ गाइस यार। बाकी हाँ गाइस,
अपन को तो भाई फ्री में क्या यार, अपन को अपनी राइड लेके अभी जाना पड़ेगा अपने कार्गो प्लेन पे, और कार्गो प्लेन के पास वहाँ पे अपना एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसको लेके मैं फटाफट से लॉस सैंटोस में निकल जाऊँगा, क्योंकि भाई मुझे इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं है। मैं लेस्टर को बोल दूंगा कि मैं इसको थर्ड नंबर पे लेके आ गया था और भाई मुझे उन झमेलों में पढ़ना ही नहीं। मैं लेस्टर को सारी बात बताऊंगा ये कैसी गंदी ड्राइविंग कर रहा था बंदा, भाई मुझे अभी इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं है। तो चलो यार गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ अपने कार्गो प्लेन की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ। भाई अभी इतने मस्त तरीके से गाड़ी आ रही थी, अब ड्रिफ्ट देख रहे हो, गाड़ी का टायर पंक्चर है ना, इसलिए भाई ड्रिफ्ट इतनी अच्छी बजी। और वो सामने आ चुके कार्गो प्लेन, वहाँ पे हमने अपना पुलिस वाला हेलीकॉप्टर वहाँ पे खड़ा करा था। अभी मेरी सरदर्दी नहीं है भाई, लेसर अपने आप देख लेगा जब अपनी रेस होगी ना, तो भाई चाहे लेसर आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, मैं किसी को अपने आड़े आने नहीं दूंगा। ये रहा अपना पुलिस वाला हेलीकॉप्टर, गाड़ी अपन यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी गाड़ी का कोई काम नहीं है। अभी चलो बैठते गाइस अपने पुलिस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर, अभी फटाफट से लॉस सैंटोस चलते हैं, क्योंकि गाइस मुझे अभी डर इस बात का लग रहा है क्योंकि हमने पुलिस स्टेशन में बहुत तबाही मचाई है। अभी पुलिस माइकल का क्या हाल करने वाली है, मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, कहीं यार दिक्कत ना हो जाए अपने साथ कोई भी खड़ी बड़ी वाली, मैं यही नहीं चाहता भाई कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। मुझे बस अंदर अंदर ही डर लग रहा है क्योंकि हमने पूरे पुलिस स्टेशन में कम से कम 60 से 70 पुलिस वालों को मारा है भाई, माइकल कहीं पकड़ा ना जाए यार और कुछ सीन ना हो जाए अपने साथ। तो चलो यार गाइस अभी बातें कम करते हैं और फटाफट से इस हेलीकॉप्टर को लेके सीधा लॉस सैंटोस की तरफ। ऑल राइट गाइस, हम अपने हेलीकॉप्टर को लेके भाई पहुंचने वाले हैं लॉस सैंटोस एयरपोर्ट में, और यहाँ पे गाइस मुझे कोई सिंपल सी गाड़ी लेनी है। और मुझे ना बार बार गाइस फोन कॉल आ रहा है फ्रैंकलिन का, मुझे उससे भी बात करनी है। वेट अ मिनट, पहले तो मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे उतार देता हूँ भाई, मैं इसको लेके नहीं जा सकता भाई, नहीं तो भाई पुलिस वाले ना हमको मिनटों में पकड़ लेंगे। चलो यार गाइस इसको ना हेलीकॉप्टर को पहले तो मैं सही जगह पे लैंड करवा लेता हूँ और साइड पे कहीं लैंड करवाता हूँ, ताकि पुलिस वालों की ना नज़र ही ना पड़े इस पे कि ये माइकल ने चुराया है। वेट अ मिनट, एक काम करता हूँ इस वेयर हाउस के अंदर कोशिश करता हूँ लेके जाने का। भाई सही है, सही आ गया। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला है। ओ ओ भाई भाई भाई, भाई, भाई। भाग। चलो गाइस धुआं देख रहे हो कितना निकलने लग गया हेलीकॉप्टर में से, भाई बच गया यार मैं। चलो यार एक सेकंड गाइस, बंदे ने ना मुझे लग रहा है देख लिया भाई, वो जो सामने बंदे खड़े ना उनने मुझको देख लिया ये पुलिस वाला हेलीकॉप्टर लाते हुए। एक काम करते हैं उनको स्टन गन बजाते पहले, तो ये मेरे पास स्टन गन है भाई, धीरे धीरे से चलते हैं क्योंकि भाई मुझे अपने ऊपर कोई पंगा नहीं चाहिए, नहीं तो भाई पुलिस वालों को आपको पता नहीं है भाई बहुत खतरनाक है पुलिस वाले, हमने पहले से ही पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया है, अभी मुझे और कोई पंगा चाहिए नहीं अपनी ज़िंदगी में। अबे यार ये दूर से लगती नहीं है भाई, मुझे धीरे धीरे जाना पड़ेगा, पहले तो अपने अंदर करता हूँ गन को, एकदम से बाहर निकाल के ना दोनों को सीधा डाउन कर दूंगा। ऑल राइट गाइस, ये ना मेरे से डर के भागने लग गया, पर मैं इसको भाई जाने नहीं दूंगा। तेरी भैंस की, तू भाग कहाँ भागता है, वेट अ मिनट भाई, अगर ये भागना मैं सही में फायर कर दूंगा, रुक जा मैं फायर कर दूंगा भाई, बंदा लिटरली रुक ही नहीं रहा। वेट, अब तो इसको रोकना पड़ेगा यार, एक तो मेरा निशाना नहीं बन रहा, एक ये भाग ही जा रहा है भाग, अबे नहीं रुक सकता, चल बैठे निकल यहाँ से, चल तेरी भैंस की, भाग रहा था ना, अब नहीं भाग पाएगा। और वो दूसरा बंदा डाउन है या कहाँ गया, ओके वो सामने डाउन ही है। चलो यार गाइस अंदर करते हैं गन को, और ये बंदों को तो हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया। बाहर भाई देख रहे हो पूरी रात होने वाली है, पूरी शाम हो चुकी है, मतलब पूरा दिन अपना ऐसे ही ख़राब हो गया। सामने एक गाड़ी पड़ी है, फटाफट से वो गाड़ी उठाता हूँ और निकलता हूँ भाई अपने घर पे। और फ्रैंकलिन से पहले घर पे जाके पहले बात करते हैं कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, उसने इतने सारे हमको कॉल करे तो करे क्यों। मैं एक काम करता हूँ भाई, काफ़ी दिनों से ना अपने घर पे नहीं गए हम, आज वहीं पे चलते हैं, अपने मतलब माइकल के घर पे अपन गए नहीं हैं, और आज ना गाइस वहीं चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, अपन हम अपने मैंशंस पे ही घूमते रहते हैं। और भाई कल में ना मुझे जैसे भी करके भाई ट्रेवर को ना अभी सही करना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर वॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद उसको टॉर्चर करके एल रूबियो के अंडर वाटर माफिया के सारे राज जानने हैं भाई मुझे वही चीज़ों पे बस थोड़ा सा टाइम जा रहा है भाई। अभी हमने रेस कर ली, अभी वर्ल्ड की ये जो लिबर्टी सिटी की तरफ से रेस हो गई है ना कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब मैं तो बीच बीच में छोड़ के आ गया, अभी ये लास्ट रेस थी ठीक है जो कंट्री वाइज कंट्री हो रही थी। अब गाइज डेट आने वाली है वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसिंग टूर्नामेंट का भाई, जब वो रेस जो वो आ गया ना मैं अपनी मैक्लेरन लेके जाऊंगा भाई, पहले तो मुझे वो मैक्लेरन को लेके जाना है। ओए वेट भाई, क्या पागल वागल है, मैं बिल्कुल सही आ रहा हूँ, बंदे देखते भी नहीं है भाई लोग।
चलो यार छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कौन सा गाड़ी है ये। बाकी यहाँ गाइस मैं अपनी मैकलेरन को लेके जाऊंगा बैनी के पास, बैनी उसको मॉडिफाई करेगा और बैनी से अपन को वो तीन गाड़ियां भी लेनी है जो हमारी ब्लास्ट हो गई थी लास्ट टाइम, जब ट्रेवर के गार्ड आके हमारे ऊपर गन्स चला रहे थे ना, तो उन्होंने मेरी तीन गाड़ियां ब्लास्ट कर दी थी, जो जिनमें से एक है बुगाटी डिवो, एक है अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो, एक है अपनी मर्सिडीज एएमजी। भाई ये तीनों के तीनों मुझे वापस चाहिए गाड़ियां, मतलब कर दिया होगा भाई अभी तक तो यार बैनी ने। तो चलो यार गाइज अभी बातें बहुत हो चुकी है, फटाफट से अपनी गाड़ी भगाता और जल्दी से निकलता हूँ माइकल के घर। ऑल राइट गाइज, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइज पहुंच चुका हूँ अपने घर पे, जो कि सामने जाके आने वाला है। और रात देख रहे हो कितनी ज्यादा हो चुकी है और बादल कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई आसमान में, मतलब रात ना बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है ये वाली। फटाफट से घर पे जाके भाई फ्री हो के ना अभी कॉल लगाते हैं फ्रैंकलिन को और उससे बात करते हैं। बाकी यहाँ गाइज देख लेते हैं भाई फ्रैंकलिन से बात करके। चलो यार गाइस मैं तो आ चुका हूँ अपने घर पे। वेट, ये सामने कौन खड़ा है भाई? ये बंदा ढंग से मेरे को दिख नहीं रहा, पर कोई तो खड़ा है मेरे सामने और ये सिगरेट फूंक रहा है। पर गाइस एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, इसके मैं आर पार क्यों देख पा रहा हूँ? भाई ये बंदा कौन है? एक तो मेरे को सही से दिख नहीं रहा और ऊपर से भाई इसके मैं आर पार देख पा रहा हूँ। भाई गाइस मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ भाई, ये क्या सीन है यार? चल तेरी पैस। ओह अबे ये क्या था, मैं बीच में से कैसे निकल गया? भैंस की भाई, पीछे वो बंदा कहाँ गया? अभी तो था। हेलो, आई थिंक ये कोई भाई, मैं मेरे को ना ये बंदा जाना पहचाना लग रहा था। और देख रहे हो गाइस अभी वो बंदा यहीं पे खड़ा था, मैंने भाई इसके ऊपर ऐसे गाड़ी चढ़ाई, गाड़ी बीच में से निकल गया और पीछे देखा हमने बंदा ही नहीं है। अबे ये क्या था यार? अब आई थिंक मैं थोड़ा स्ट्रेस ले रहा हूँ गाइस, अभी थक गया हूँ ना मैं बहुत ज्यादा, शायद उसके कारण हुआ होगा। भाई भूत भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, प्लीज कमेंट में ये मत बताना कि ये भूत है। बाकी फटाफट से मैं अपनी एक बार मैकलेरन चेक कर ले, तो अपने पास है ना। चलो यार गाइस एक बार बस ये, चलो चलो यार अभी देख ले। ओके ये रही अपनी मैकलेरन रेसिंग कार जो हमने लॉस सैंटोस की तरफ से जो रेस हुई थी ना वहां से जीती थी। भाई साहब इस गाड़ी को लेके हम फटाफट से, मतलब फटाफट से तो नहीं, जब रेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसिंग टूर्नामेंट आएगा ना तब हम ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे भाई, मिनटों में ये रेस जीत जाएंगे ये, क्योंकि बहुत तगड़ी कार है। और भाई अब अगर लेस्टर का फ्रेंड जीता होगा ना रेस को तो ठीक है, अगर नहीं जीता होगा तो भाई अपने लिए भी बढ़िया, अगर जीता भी होगा तब भी बढ़िया, अपने लिए नहीं जीता होगा तब भी बढ़िया, क्योंकि मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसिंग टूर्नामेंट में ना तो मैं लेस्टर की सुनने वाला हूँ ना मैं खुद की सुनने वाला हूँ। भाई रेस में जो फर्स्ट आएगा ना उसी को प्राइज मिलेगा, ठीक है ना? लेस्टर चाहे बाद में बोल दे कि माइकल तुम जानबूझ के हार जा, बट ये चीज़ मैं होने नहीं दूंगा। पर गाइस ये जो अभी हमारे साथ हुआ ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है और मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फील भी कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, जूस पीते हैं, जूस से थोड़ा स्ट्रेस अपना कम हो जाएगा, क्योंकि जूस से मिलती है पावर भाई। चलो यार जूस पी लिया हमने भाई, बट ये देख के ना मेरे को थोड़ा सा लग रहा है यार घटिया। चलो छोड़ो यार अभी गाइस बहुत चीज़ें कर लिया हमने, अभी गाइस एक काम करते हैं, पहले तो भाई हल्के कपड़े पहनते हैं हल्के से कोई, ठीक है? उसके बाद फ्रैंकलिन को कॉल लगाते हैं, फ्रैंकलिन इतने सारे हमको कॉल क्यों कर रहा था? पहले तो मैं पहनता हूँ घर वाले ये वाले कपड़े पहनते हैं और गॉगल्स भी उतारता हूँ। अभी हमने कपड़े वपड़े सब सही से पहन लिए, अभी एक काम करते हैं फटाफट से कॉल लगाते हैं फ्रैंकलिन को यहाँ पे खड़े होके। ऑल राइट गाइज मैंने फ्रैंकलिन को कॉल तो कर ले, फ्रैंकलिन के 10 से ऊपर मिस कॉल आए हुए थे, फटाफट से ना गाइज इससे एक बार बात कर लेते हैं। तो गाइज भाई टाइम आ चुका है माइकल का लॉस सैंटोस से अलविदा बोलने का, और आप लोग बोल रहे होगे कि मोहित भाई तुम ये बात क्यों बोल रहे हो? तो गाइज अपने ऊपर बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है भाई। हमने जो पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वालों को नहीं मारा भाई, पुलिस वालों ने FIB के बंदों को मिलके, पुलिस वाले मिलके सारी फोर्स रेडी कर ली है, और भाई उनको पता चल चुका है कि ये सारा काम माइकल ने करा, और माइकल का ये वाला घर है भाई। अभी प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आप लोगों को, प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? माइकल को भाई प्रिजन में लेके जाया जाएगा और बोल रहे कि इसको 1 साल की सजा दी जाएगी। आज मतलब कल के कल यहाँ पे पुलिस की रेड होगी, अगर माइकल वहां से भागा तो भाई माइकल की सजा बढ़ जाएगी। पहले तो वो FIB के बंदे, पुलिस वाले बंदे बोल रहे हैं कि माइकल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, देन उसके बाद हमको प्रिजन में भेजा जाएगा। भाई प्रिजन में लास्ट टाइम गाइज आप लोग को पता है हमने फ्रैंकलिन को एक टनल के थ्रू बचाया था, वो टनल भी FIB के बंदों को पता चल चुकी है और वो टनल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। अभी प्रिजन से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और मैं ये बात ना एक बार लेस्टर से कर लूँगा। और गाइज मुझे आप लोग बताओ यार अभी मुझे क्या करना चाहिए? और पुलिस वालों ने गाइज एक और चीज़ करी है, प्रॉब्लम और बताता हूँ, प्रिजन में जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक और सुनो, FIB के बंदों ने, पुलिस वालों ने मिलके
माइकल के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज करने का सोच लिया है। मतलब माइकल के जितने भी बिजनेस है, माइकल की जितनी भी गाड़ियां, माइकल के जितने भी घर मेंशन, माइकल के जितना पैसा है ना, सब कुछ पुलिस वाले एफआईबी वाले ले जाएंगे। भाई ये वाला घर अपने हाथ से जाएगा, अपना रिचमैन मेंशन अपने हाथ से जाएगा, दूसरा मेंशन वो भी अपने हाथ से जाएगा। भाई अपने जितनी गाड़ियां हैं वो पुलिस वाले जब्त कर लेंगे। अबे यार ये क्या हो गया, अब ये मैकलरन कार मुझे पहले अपने पास रखनी पड़ेगी। भाई मुझे फ्रैंकलिन को ही बोलना पड़ेगा कि तुम मैकलरन कार को ले जा, क्योंकि अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेस होगी ना उसमें से कुछ पैसा मिल जाएगा। बट गाइज अपनी अभी लाइफ बहुत गंदी शुरू होने वाली है। अभी माइकल के सबसे ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। जो माइकल ने आज करा है ना पुलिस स्टेशन में, भाई अभी अपने गाइज बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। भाई सब कुछ हाथ से जाने वाला है, गाड़ियां, पैसा, घर, मेंशन, जितनी भी भाई जितना पैसा है सब कुछ अपने हाथ से जाने वाला है। और ये बात अगर अपनी फैमिली को पता चल गई ना, तो अपनी फैमिली भी अपन को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम अमेंडा ने मेरे को दो बार धमकी दे दी है कि माइकल तुमने अभी बुरे काम अगर दोबारा किए ना, या तुमको पुलिस या फिर गैंग के बंदे कभी भी तुमको लेने आए ना, तो भाई हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। गाइज अभी माइकल की बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ शुरू होने वाली है। मुझे कमेंट सेक्शन में गाइज सजेस्ट करके बताओ अभी माइकल को क्या करना चाहिए, क्योंकि गाइज पुलिस वालों ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अगर माइकल घर से भागा भाई उसको वो जेल की सजा जो एक साल की है ना वो बढ़ के 5 साल की हो जाएगी। मतलब गाइज मुझे पुलिस को अपने आप को सौंपना पड़ेगा। उसके बाद भाई मैं प्रिजन में कैसे निकलूंगा, क्योंकि वो टनल भी बंद हो चुकी है जहां से हम निकले थे। गाइज इसको बोलते अभी बुरे दिन शुरू होना, ये घर तो हाथ से गया, और ये घर हाथ से गया तो भाई फैमिली भी जाएगी, अपना रिच मैन मेंशन भी गया, अपनी सारी गाड़ियां, जितना भी हैशो हराम है, जितना पैसा है वो सब अपने हाथ से जाएगा। आज से हो चुका है माइकल के बुरे दिन की शुरुआत। बस अपनी जो ये रात है ना, ये लास्ट रात है भाई। भाई सारे घर जाएंगे, सब गाड़ियां, सब कुछ अपने हाथ से निकल के जाएगा। यार ये क्या शुरू हो चुका है गाइज, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ अभी ये मैं क्या करूं यार, कैसे बचूं पुलिस वालों से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज मैंने फ्रैंक को पूछा कि भाई तेरे को कैसे पता चला, वो बोल रहा है कि जो तुमने पुलिस स्टेशन में इतना गंद डाला था ना वो सब कुछ न्यूज़पेपर में आ चुका है, और सब कुछ न्यूज़ में भी आ चुका है, न्यूज़ में ये बात हुई है, माइकल तुम्हारी फोटो भी न्यूज़ में दिखाई गई है। भाई ये बढ़िया कि अपने घर वालों ने न्यूज़ नहीं देखी आज की, और ये बोल रहा है कि माइकल अब तू बहुत गंदा फंसने वाला है। भाई अपने हाथ से अभी सब कुछ जाने वाला है गाइज, ये घर भी जाएगा, अपने सारे मेंशन जाएंगे, गाड़ियां जाएगी, पैसा जाएगा, शोरूम, बिजनेस, सब तो सब कुछ जाने वाला है। मेरा रेडलाइन शोरूम भी जाएगा मेरे हाथ से, क्योंकि भाई पुलिस वालों के और एफआईबी वालों के भाई कागज पत्तर निकल चुके हैं। या तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, या तो क्या अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास अभी कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अभी खत्म है भाई जिंदगी, खत्म है सब कुछ। तो चलो यार गाइज आज की रात का एंजॉयमेंट करते हैं, कल से भाई फिर जेल में रहेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर माइकल जब जेल से आएगा ना, तो समझो गाइज माइकल की वो लाइफ शुरू हो जाएगी जब माइकल के पास एक फूटी कौड़ी नहीं हुआ करती थी, गरीब हुआ करता था पूरा, सेम टू सेम वही माइकल की दोबारा जिंदगी शुरू हो जाएगी। आज से सब कुछ खत्म गाइज, सब कुछ खत्म। पुलिस स्टेशन उड़ाना भाई मेरे को बहुत महंगा पड़ गया यार, बहुत ज्यादा महंगा। तो चलो यार गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छा सा कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।